वीडियो किया है, मैं सिंगर अमित मिश्रा है और रोमांटिक सॉन्ग है काफ़ी, तो अभी वो टी या जी पे रिलीज होएगा। और रिसेंटली अभी ईचा शर्मा का सॉन्ग किया है और इसी के में शूट किया है, जिसके सिंगर है शान और ईचा शर्मा। और अभी नेपाल में शूट की है दानवी, जिसके राइटर रविनाथ थापा जी हैं और डायरेक्टर रुपेश तमंग। और लव स्टोरी एक्शन मूवी है और जिसमें मुझे खेलने को काफ़ी कुछ मिला, फुल एक्शन मूवी। और मैडम है, हाय, मेरा नाम रविना थापा मगर है, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, मैं एक फिल्म राइटर हूँ। दानवी एक लव स्टोरी एक्शन मूवी है, स्टोरी क्या बढ़िया बोल रहे हैं। इसमें मेरा फर्स्ट मूवी है, ये मेरा डेब्यू मूवी है राइटिंग का। इसमें कहानी लव स्टोरी फुल एक्शन है, इसमें लड़के के बारे में कुछ लाइक होता है ना, ये बेबी टाइप के, ऐसे टाइप के बस। रिव्यू की चाह करना कि लव स्टोरी है, फिर कहानी है या फिर ट्रायंगल लव स्टोरी है? हाँ, ट्रायंगल लव स्टोरी। आर्टिस्ट पर कुछ फाइनल हुई, कुछ कौन कौन है आर्टिस्ट? हाँ, ये रिलीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर। कब कौन कब होने वाला है, कहाँ होने वाली है, क्या है आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट में तो उधर नेपाल के पूजा शर्मा और हमारे संदीप सर। मिनी एक्टर भी सर सर इसमें मेरा एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव रोल है मेरा, और पूजा शर्मा है और डायरेक्टर रुपेश तमंग। इसका ऑलमोस्ट 90% शूट हो चुका है, 10% बाकी है, तो उसको हम लोग इंडिया में शूट करेंगे। शूटिंग कहाँ, नेपाल में? हाँ, नेपाल नेपाल और ये इंडिया का कालचुंग में। आगे भी और प्लान से वगैरह कुछ प्लान से क्या? हाँ, बात चल रही है, ये स्क्रिप्ट वगैरह चल रही है। तो बिग बॉस की बात करो, मैं बिग बॉस के बारे में देख रहे हैं आप? बिग बॉस तो मेरे जाने बिग बॉस में जाने के बहुत सपना है, ड्रीम है। उधर सलमान सर से मिलने के भी बहुत ख्वाहिश है, और बिग बॉस के लिए मेरे बहुत पोटेंशियल है। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं बिग बॉस में जाने के लिए, किस तरह किससे मिले आप? अभी तक तो मैं मिली नहीं हूँ, पर भी कोशिश कर रही हूँ। तो कौन सा फेवरेट अभी क्या बात करें हम लोग, कौन फेवरेट आपका है? अभी तो अभिषेक कुमार। उसमें स्क्रिप्ट अनुसार ये उसका दिल भी है, दिमाग भी है, दम भी है, इसलिए। आप चाहते हो बिल्कुल जाना, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बहुत ऐसे पार्टी होती है, चलेगा? हाँ चलेगा। मैं देखने में बोली देखती हूँ, पर अंतर तो खिड़ा है। सर, रियल लाइफ में आप किस तरह की, मतलब क्या शांत स्वभाव की हो या फिर? मैं तो स्पिरिचुअल टाइप की हूँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक थोड़ा हिंदी का थोड़ा रियल लाइफ में कैसे हो? रियल लाइफ में तो मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। बिग बॉस में तो वो झगड़ा कैसे मिले, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे ये फिल्म के सिलसिले में मिला उसको, फिल्म के कैसे चेंज किया उसमें? बहुत चेंज हुआ है वो, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब मैं उसको मिला हूँ। एक्चुअली हम लोग का स्ट्रगल टाइम से दोस्ती है, तो मैंने फ़ोन की संधि में एक स्टोरी लिख रही हूँ, तो उसमें आपका जो लुक है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फिट है, तो ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिए, ऑडिशन में तो सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर हम लोगों में शूट के लिए नेपाल गया, वो नेपाल करके आया, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड है इनका राइटिंग सेंस, तो इसके बाद एक नेक्स्ट मूवी कर रहे हैं, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता आगे। आप एक्टिंग भी करना चाहोगे? मेरे बस के नहीं है एक्टिंग, मेरे बस के तो एक्टिंग नहीं है, सिर्फ राइटिंग स्किल अच्छी है। हाँ सर, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैंने म्यूजिक वीडियो तो अमित मिश्रा किया अभी, और शूट हो गया है, और ईचा शर्मा मैं शान है सिंगर, और ईचा शर्मा, और ये अभी और भी दो गाने जल्दी करने वाले हैं, सलमान अली एक शाहिद मालिया। तो फिल्मों में क्या, अच्छा टाइम लगता है, वो फिल्म बनेगी तो लंबा प्रोसेस होता है, एक साल दो साल का, तो इससे बेस्ट है कि अभी आप करते रहो म्यूजिक वीडियो, हर दो महीने तीन महीने सॉन्ग आता रहेगा, तो इंडस्ट्री में क्या आप टिके हुए हो कुछ? जी,
गाने तो मैं नहीं लिखी हूँ, प्लान तो है लिखते हो पर अभी तक रिवील नहीं किया, सिर्फ ये स्टोरी ये फिल्म के लिए कर रही हूँ अभी। इस फिल्म की स्टोरी लिखी आपने कि और भी लिखा लिखा? हाँ और भी लिखी हूँ, उसमें बात चल रही है, दो तीन लिखी हूँ। शूटिंग मुंबई में भी हुई है या बाहर? सब बाहर शूटिंग में? बाहर तो नहीं, नेपाल और कालीपुंग में हुआ है और बस इंडिया के भी चल रहे हैं। और ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप बिग बॉस में आना चाहते हैं, कैसे आप उनको ऑडियंस के? तो यही बोलना चाहूँगी जल्दी से जल्दी मुझे बिग बॉस 17 में एंट्री करा दो, उसमें तो मैं फुल पैकेज इंटरटेन में मेरे। संदीप जी आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं ही कहना चाहूँगा कि ऑडियंस को कि बस आगे बढ़े और तरक्की करें और जल्दी ये बिग बॉस में उसकी एंट्री हो जाए, क्योंकि तो नेपाल से आई है, काफ़ी उम्मीद लेकर आई है, तो काफ़ी टाइम में ट्राई भी कर रही है और देखता है क्या होता है सर आगे। आपको इंडिया कैसा लगता है, नेपाल से आप आए हो यहाँ पर, कैसा आपको फील हो रहा है? मुझे ऐसा फील कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। इंडियन आर्टिस्ट कौन से पसंद है आपको, सबसे कलाकार करते हो? सलमान सर। एन एक्ट्रेस? एक्ट्रेस नहीं तो कैटर। ऐसा लगा कि आपने बिग बॉस में जाना इसलिए सलमान खान का नाम ले लिया? नहीं नहीं उसको पता है, सलमान सर के साथ तो। और कुछ संजीव जी आप कुछ बोलना चाहोगे या बोल सकते हो सर? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो सर मेरे ये कि इस रवीना थापा का सिलेक्शन बिग बॉस में हो जाए, और ये है कि बाकी मैं तो फिलहाल म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ सॉन्ग वगैरह, और अभी काम चल रहा है, ठीक है, तो अभी सर देखते हैं। एक सवाल है छोटा सा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज क्यों रखा है? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा हमने, एक्चुअली ये रवीना जी हैं इन्हीं के लिए रखा हमने, क्योंकि नेपाल से हैं और इसके मीडिया के माध्यम से इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। बिग बॉस के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा आपने? वही उधर एंट्री करने के लिए। रवीना जी आपने कहाँ कहाँ एक्टिंग किया है? मैं तो एक्टिंग तो नहीं किया, एक्टिंग नहीं किया हूँ। हाँ अभी जो आपने बोला नेपाल में, मैं राइटिंग करती हूँ। डायरेक्टर है? राइटिंग, राइटर। राइटर लिखते हैं, तो किस तरह की आप स्टोरी लिखते हैं? लव स्टोरी, लव स्टोरी लिखते हैं। ओनली लव स्टोरी लिखते हैं, कुछ नहीं? काम मिलना बंद हो जाएगा क्या? अल्लाह हाँ सर, मैंने एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया है अमित मिश्रा का, तो एक्चुअली क्या है मैंने अपने छोटे भाई का नाम दिया है, अपना नाम नहीं दिया, अनित बोले कि काम आप प्रोड्यूसर हो तो चलो ठीक है 50 फिर आप लगाओ, 50 हम लगाते हैं। मैंने कहाँ तक लव स्टोरी पहुँचा? अभी तो नहीं पहुँचा। नहीं काठमांडू से मुंबई नहीं आया? लव स्टोरी तो नहीं है, बस मेरा ड्रीम पूरा करने आया हूँ। थैंक यू।